तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इंडियन रेलवे के साथ हमारा सफ़र आज हो रहा है कोल्हापुर में, जो कि मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। और कोल्हापुर आने का मेरा एक मेन रीज़न था, क्योंकि आर्मी का रैली चल रहा था और मेरा छोटा भाई रैली के लिए वहाँ पर जा रहा था, तो भाई के साथ में गया था। तो सोचा कि चलो आपको कोल्हापुर शहर भी दिखाऊँगा और वहाँ की थोड़ी जो स्पेशलिटी है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो ऐसा था वहाँ का माहौल, जो कि जो जवान आ रहे थे आर्मी भर्ती के लिए उनके लिए। सो आता सध्या आहे मी कोल्हापूरच्या आर्मी भरतीच्या ग्राउंडवर, आणि या ग्राउंडवरून दुसऱ्या ग्राउंडला नेणार आहे सगळ्यांना। सो माझ्यावर जे काही मेंबर आहेत त्यांना एकदा भेटावतो। सो नाव काय तुझं? रोहनगिरी। रोहनगिरी कुठलं तू? नगर। चालेल, ठेवू नगर जवळपास सगळे आपले नगरचे मेंबर आहेत। नाव काय? योगेश कानावे। योगेश शेळके। योगेश शेळके। विशाल आवटे। विशाल आवटे। माझा लहान भाऊ मित्रांनो, आतापर्यंत कॅमेरा समोर कधीतरी येतोय। प्रतीक भाने। प्रतीक भाने। आणि हा एक भाऊ आहे अजून। हा कुठला रे? लोणीतलाच आहे। ओके, सो सगळे मेंबर लोणीचेच आहे। आणि दुपारी ट्रेनमध्ये पण आपण सोबत आलो होतो, आणि राहायची वगैरे एकदम सोय कशी वाटली? चांगली म्हणावं लागणार, कारण राहुरीला तर एवढी नव्हती चांगली ना। हां, असं काहीसं वातावरण आहे आणि सगळे एकदम बसलेत, वेट करताय की कधी आपल्या ग्राउंडला नेणार वगैरे। तो आता काय वाटतंय, किती वाजता होईल वगैरे? काय तरी असं वाटतं, दहाला सुटतील एकदम। दहाला सोडल्यानंतर पोहतातमध्ये। ओके, सो असं काहीसं वातावरण आहे आणि खरंच खूप भारी। एवढी गर्दी आहे ना मित्रांनो, हजारो पब्लिक आहे, हजारोनी पब्लिक आहे या ठिकाणी। तो चला तुम्हा सगळ्यांना म्हणजे बेस्ट ऑफ लक चॅनलकडून। तुमच्या सेवेत येऊ अशी आमची इच्छा। नक्कीच नक्कीच, धन्यवाद। ओके भाई, ओके, चलो वन्स अगेन बेस्ट लक सगळ्यांना। भारी वाटलं सुनील छेत्रीचा फोटो पाहून, आपला देश आपला अभिमान। तो अगली सुबह श्री गणपति जी के दर्शन करके हम निकले थे, हमारा जो आगे का सफ़र था वो पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम आ गए यहाँ के कुश्ती के मैदान के पास, जो कि पूरे भारत में सबसे फेमस है। बहुत सारे रेसलर यहाँ से निकलते हैं और कुश्ती का जो कुछ प्रशिक्षण होता है वो यहीं पे होता है। तो इसे रेसलिंग ग्राउंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये छत्रपति श्री शाहू महाराज जी के कार्यकाल से मतलब शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है और इसकी एक अलग ही ख्याति है। तो अखाड़ा देखने के बाद हम आए थे कोल्हापुर का यह महालक्ष्मी मंदिर देखने, जो कि देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण हुआ था 7वीं सदी में। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम देखने आए कोल्हापुर का एक प्रसिद्ध जो चप्पल है कोल्हापुरी, वो देखने के लिए, जो कि देश विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। और तो यहाँ से मैंने अपने भांजे के लिए एक चप्पल लिया और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की, मतलब 300 रुपये से 10-10 हज़ार तक यहाँ पे चप्पलें मिलती है। और ये ख़रीदने के बाद हम आए थे यहाँ के जो फेमस अप्पे हैं वो खाने के लिए, जो कि कोल्हापुर मंदिर के नज़दीक ही है पूरा। तो टेस्ट करने के बाद पता लगा कि भाई ये बहुत ही औसम और बढ़िया है। तो ये खाने के बाद मतलब हम आज पूरा फूड ही ट्राई करने वाले थे। तो साबुदाना वड़ा तो बनता ही है और यह महाराष्ट्र का सबसे फेवरेट डिश है साबुदाना वड़ा। और आप ये जो कपल देख रहे हो, ये ताई और दादा देख रहे हो, इनसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इनका जो सर्विंग का जो टेक्निक है और जो प्यार करने का एक तरीका है अपने कस्टमर की तरफ, वो मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो एक बार फिर से टेस्ट किया और कोल्हापुर का जो एक टच होता है मुझे वहाँ पर वो फील हुआ। तो ये खाने के बाद हम निकल गए एक आंटी के पास, जो कि सर्व करी थी दाबेली, जो कि एक स्नैक्स की तरह होता है बट एक फेवरेट जगह है खाने के लिए। तो वहाँ पे दाबेली खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और हम चले गए महालक्ष्मी प्रसादालय में। तो प्रसादालय में सब फ्री ही था और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत लोग यहाँ पे आए थे, बहुत भीड़ थी खाने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो लक्ष्मी के महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आए हैं तो प्रसाद भी लेके जाएंगे। तो प्रसाद खाने के बाद मतलब हम निकल गए आगे के रास्ते के लिए, जो कि होने वाला था रनकाला तालाब की ओर। और रनकाला तालाब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं,
तो ये महालक्ष्मी मंदिर के पश्चिम में स्थित है और एक झील, एक तालाब है और सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में आता है। और इस झील का निर्माण हुआ था छत्रपति शाहू महाराज जी के कार्यकाल में। एक चौपाटी एरिया है और इसके बाद ही हमको देखने को मिलेगा एक उद्यान। तो जा रहे थे तो इन भाई साहब को देखा तो ये मच्छी पकड़ रहे थे तालाब में, तो उनसे भी थोड़ा बात करके अच्छा लगा और हम चले गए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गार्डन में जो कि यहाँ से नज़दीक ही था। तो ऐसा था हमारा डेढ़ दिन का सफ़र कोल्हापुर का। तो ये होने वाला था अभी एंड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जय महाराष्ट्र, जय भारत।